Assalamu alaikum. आज 13 अगस्त है और वादे के मुताबिक हम रवाना हो गए हैं स्वात की तरफ. इस वक्त हम M4 पे मौजूद हैं. सुबह 5:20 पर हम घर से रवाना हुए हैं और खाना हमने अब्दुल हकीम से पहले थोड़ा सा एक अलजन्नत रेस्टोरेंट में खाया है और अब हम इस वक्त M4 पे मौजूद हैं. ये जनाब थोड़ा सा आगे जाके M3 लाहौर की तरफ जा रहा है लेकिन हम इंशाल्लाह M4 पे सफ़र करते हुए फैसलाबाद से होते हुए इस्लामाबाद और फिर इंशाल्लाह स्वात जाएंगे. आज रात अगर अल्लाह ने चाहा खैर खैरियत से सफ़र गुजरा तो हम छोटा कलाम मंगोरा के नज़दीक एक कस्बा है वहाँ पे क़याम करेंगे और कल 14 अगस्त इंशाल्लाह मालम जुब्बा तो हम इंशाल्लाह M4 पे सफ़र जारी रखते हैं. आगे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. मैं इस वक्त कटलिंग रेस्ट एरिया पे मौजूद हूँ. ये कटलिंग रेस्ट एरिया स्वात मोटरवे पे है. फैसलाबाद से यहाँ तक हमने नॉन स्टॉप सफ़र किया है और यहाँ फैसलाबाद के बाद हमने यहाँ पहला स्टॉप किया है. फ्रेश हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा सा देखते हैं कि सैंडविच वगैरह और फिर यहाँ से आगे रवानगी. कटलिंग
के बाद मोटरवे तकरीबन ख़त्म हो गया है। थोड़ी देर बाद एक बाई रोड पर सफ़र करते हुए हम टनल्स के करीब पहुँचे हैं। देखते हैं कितनी लॉन्ग है ये टनल। तो हम इस वक्त टनल के करीब पहुंच गए हैं, आप भी देखिए। पहली बार यहाँ पे धान की फसल नजर आई है। केशा कोई नहीं, खाली अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, इस वजह से खाली टेंशन। इस वक्त हम मंगोलाई स्वात में मौजूद हैं, जिसको छोटा कलाम कहते हैं। ये उसका पार्क है वहाँ का, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ छोटा कलाम वादे के मुताबिक स्वात रिवर, और बहुत ही खूबसूरत मंजर। हाँ जी, हासलपुर भी है जी, हासलपुर पिंगूड़े पे हासलपुर है जी, खानेवाल भी है, शहर सुल्तान भी है, मुल्तान भी है, नीचे इस्लामाबाद और मुजफ्फरगढ़ भी खड़े हैं। भाई फिश पकड़ने वाले हैं। आपको कुछ छोटे कलाम के थोड़े से ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ, और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा अगली वीडियो तक के लिए।